नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडियन ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स ने मिल के बाइकॉट किया है चाइनीज प्रोडक्ट्स को, और आप देखोगे ये ट्रेंड पिछले 5 सालों से लगातार चला आ रहा है। 2020 से ही ये ट्रेंड बना हुआ है कि जब भी भारत में कोई बड़ा फेस्टिवल आता है, जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, तो खबरें सामने आती हैं इंडियंस ने बाइकॉट किया चाइनीज प्रोडक्ट्स को, एंड पर्टिकुलरली उन प्रोडक्ट्स को जो उस त्योहार से संबंध रखते हैं। और इस बार का ये जो बाइकॉट है, एक ह्यूज इंपैक्ट डालेगा चाइनीज गुड्स पे। बताया जा रहा है कि इस पूरे बाइकॉट से भारतीय व्यापारियों को 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होने वाला है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, मेड इन इंडिया होली सेलिब्रेशंस दिस ईयर ट्रेडर्स कंज्यूमर्स बाइकॉट चाइनीज गुड्स। और जैसा मैंने बताया, ये बहिष्कार नया नहीं है, 2020 से ही चला आ रहा है। जब इंडिया चाइना के साथ में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, तो जो दिवाली आई उस समय खबर क्या आई, स्लेइंग दी ड्रैगन, 71% इंडियंस बाइकॉटेड चाइनीज गुड्स दिस दिवाली। अब आपको हो गए कि ये तो ताजा ताजा मामला था और हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, हमने ऐसा कर दिया होगा। नहीं, इस स्टैंड ऑफ के बाद से ही हर साल आप देखोगे हर त्योहार पे चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार देखने को मिला है। और इससे पहले क्या था, 2019 का आर्टिकल है, क्या खबरें छपी, ट्रेडर्स कांट बाइकॉट चीप चाइनीज चीप मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स बिकॉज वेरी लिटिल इज मेड इन इंडिया। और उससे भी पीछे आप जाओगे, 2016 में आर्टिकल है द हिंदू का, मेड इन चाइना कलर्स बीट मेड इन इंडिया। तो ये जो वेरी लिटिल वाला टैग हमारे सर पे था, ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है और सिनेरियो चेंज हो रहा है। भारतीयों को चीजें समझ में आ रही हैं कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तो हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कर सकते हैं। ऑल राइट, इसके अलावा, इसके विपरीत दो सवाल हमारे सामने हैं। इज इंडिया इन द पोजिशन टू बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स? भाई, हम लोग बाइकॉट कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हम आज उस पोजिशन पे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली बाइकॉट या फिर बैन कर पाए? और दूसरा सवाल ये है, कैन इंडिया रियली बाइकॉट चाइना एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स? अभी खबरें आ रही हैं सोशल मीडियाज पे भी और अखबार भी इसको छाप रही हैं, लेकिन क्या वास्तव में ग्राउंड लेवल पे हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन या फिर बाइकॉट कर सकते हैं? तो इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आज की जो ताजा खबर है इसके ऊपर एक नजर डाल, जो कि सेक्रेटरी जनरल है CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उन्होंने बताया कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। फॉर दिस ईयर होली फेस्टिवल ओनली प्रोडक्ट्स दैट आर मेड इन इंडिया आर बीइंग सोल्ड इन एब्यूडेंस। जबकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने बाइकॉट किया है चाइनीज प्रोडक्ट्स को। जो सामान भारतीय खरीदना चाहते हैं उनमें आप देखिए कलर्स हैं, हर्बल कलर्स, गुलाल वगैरह, और वाटर गन्स, पिचकारी जिसको हम कहते हैं, बलून, सैंडलवुड, पूजा के आइटम्स, इसके अलावा फैब्रिक्स। अब कोई भी त्योहार हो, हम लोग कपड़े जरूर खरीदते हैं, तो क्लोथ, फर्निशिंग, फैब्रिक्स, डेकोरेटिव आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स और खाने पीने के सामान, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट्स, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरीज, बासमती राइस या फिर दूसरे जो आइटम है, तो इन सब आइटम्स की, प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। और भारतीय चाहते हैं कि ये सब आइटम भारतीय होने चाहिए, यानी कि मेड इन इंडिया होने चाहिए, चाइनीज माल हमको नहीं चाहिए, चाइनीज माल नहीं चाहिए। इसीलिए कॉन्फेडरेशन ने बताया कि 50% हमारे बिजनेसेस इस होली के सेशन में ग्रो करेंगे, उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि जो होली से रिलेटेड आइटम्स बनाते हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हमारे बिजनेसेस को होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया कि दिल्ली दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए के बिजनेसेस होंगे, ऐसा अनुमान है। और प्रवीण खंडेलवाल ने यह भी बताया कि पिछले साल की तरह ही हमारे जो ट्रेडर्स हैं और कॉमन पीपल है, उन्होंने कंप्लीटली बाइकॉट किया है चाइनीज प्रोडक्ट्स को ड्यूरिंग दी होली। अब जो चाइनीज माल हमने होली से रिलेटेड जो है चाइनीज माल जो मंगवाया है, इंपोर्ट करवाया है, उसकी मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपए है, विच वॉज नेग्लिजिबल दिस ईयर, पिछले साल के कंपेरिजन में। और ये माल जो आया है चाइना से, उसकी भी डिमांड बिल्कुल नहीं है या फिर कम डिमांड है। उसका सबसे बड़ा रीजन है
कि भारतीय आज केमिकल फ्री कलर्स की डिमांड कर रहे हैं, जो हर्बल कलर्स हैं, जो हमारे परंपरागत रूप से बनाए गए रंग हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि चाइना में आर्टिफिशियल ढंग से कलर्स बनाए जाते हैं, उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी त्वचा के लिए, हमारे बात करें हेल्थ के लिए, कहीं ना कहीं कंसर्न का विषय है। तो इसीलिए भारतीयों को पता है चाइना से आने वाला माल घटिया है, सस्ता भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योर हेल्थ कंसर्न्स उससे होंगे। तो हमको चाहिए हमारे परंपरागत रूप से बनाए गए हेल्दी कलर्स। ऑल राइट, तो यहां तक की ताजा खबर हमें समझ में आई, और तो आप सबको पता है क्या, कब, क्यों, कैसे बनाया जाता है, तो इसके ऊपर तो हम नहीं आएंगे। इसके अलावा जो हमारे सवाल हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। इज इंडिया इन द पोजिशन टू बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, और दूसरा सवाल हमने देखा कि क्या वास्तव में हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज है यार गाइस एक सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक डाटा हमारे सामने है, इंडो चाइना ट्रेड वॉल्यूम 2023। यहाँ पे बताया गया कि जो दोनों देशों का बायलेटरल ट्रेड है वो 2023 में 136.2 बिलियन डॉलर रहा, जबकि इसमें से इंडिया ने जो इम्पोर्ट करवाया है चाइना से वो 117.62 बिलियन डॉलर का सामान था, और ऐसे ही भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है चाइना को वो उसका ट्रेड वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 17 बिलियन डॉलर है। तो ट्रेड डेफिसिट कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 99 मिलियन डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ में बहुत बहुत ज्यादा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है, वहां से बहुत ज्यादा सामान हम मंगवाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक आइटम्स, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील आइटम्स, ऑप्टिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हीकल एंड एसेसरीज, आयरन एंड स्टील्स एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये चार्ट क्या दर्शाता है कि 2017-18 का कंपेरिजन किया गया है 2018-19 से, कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना ग्रोथ हुआ है चाइनीज माल पे जो हमने भारत में मंगवाया है। ये आइटम आप छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिकल मशीनरी यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट है, बाकी किसी भी आइटम पे आप देखिए आपको पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 17-18 का ही आंकड़ा आपको दर्शा रहा हूं, ये आप देखोगे हर साल ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा भारत जो आइटम चाइना को एक्सपोर्ट करता है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, रॉ लीड, कॉपर, टेलीकॉम कंटेंट है, एंड अदर कैपिटल गुड्स जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैराइन प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, नॉन बासमती राइल राइस, आयरन ओर्स एंड आयरन स्टील्स, यहाँ पे कच्चे माल की बात हो रही है, और इसके अलावा एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि 2022 का 2023 से कंपैरिजन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना ग्रोथ हुआ है, आप देखोगे तीन प्रोडक्ट्स को छोड़ के, पेट्रोलियम, मैराइन प्रोडक्ट्स और नॉन बासमती राइस, बाकी सभी में नेगेटिव ग्रोथ रेट है। नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द सेंस आपको पता होगा, आपको बता दूं साफ साफ शब्दों में, हमने चाइना को कम माल बेचा है। बट इंटरेस्टिंगली आप देखिए 2023 में जो टोटल एक्सपोर्ट था टू द चाइना, ये ऑल टाइम हाई रहा 17 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी कि इसमें 0.8% का ग्रोथ रेट देखने को मिला पिछले साल के कंपैरिजन में, जबकि चाइना से जो माल आया है उसमें 1.5% का ग्रोथ हुआ है। तो क्यों हम भारतीय चाइनीज प्रोडक्ट्स को इतना फेवर करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है द लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। और लो प्राइस होने का कारण क्या है कि वहां पे चाइना में चीप लेबर फोर्स आपको मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर फोर्स इन चाइना। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उनको चाइना की सरकार भर भर के सब्सिडी देती है, जितनी ज्यादा सब्सिडी उनको मिलेगी उतना ही आइटम जो है सस्ता बनेगा, और सस्ते आइटम को फिर दूसरे देशों में डंप कर देते हैं। और तीसरा बड़ा रीजन है जो प्रोडक्ट चाइना में बनते हैं वो थोड़ा बहुत नहीं बनता, वो ह्यूज क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, एंड इसे रूल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है कि जितना ज्यादा माल बनाओगे उसकी पर क्वांटिटी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके विपरीत आप भारत में देखोगे ना तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ही बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट महंगे होंगे, रॉ मटेरियल है बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाएंगे तो महंगा मिलेगा, फिर महंगा मिलेगा तो सामान महंगा बनेगा, ओल्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, चाइना में आप देखोगे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, स्वीकार करना पड़ेगा हमें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अपने
प्रोडक्ट्स का रेट फिक्स कर देते हैं, हाई फिक्स कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वे चाइना को अभी के लिए कम्पीट नहीं कर सकते, ना तो भारत में और ना ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर। तो जो पहला सवाल हमने देखा कि क्या आज हम उस पोजीशन पे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली या फिर पार्शियली बायकॉट या फिर बैन करें, तो नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारा ट्रेड डेफिसिट ही देख लीजिए, ये आंकड़ा साफ साफ हमको कह रहा है कि आज हम उस पोजीशन में नहीं है भाई। और फिर दूसरा हमने क्या देखा, कैन इंडिया प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट, क्या वास्तव में हम इनकी सप्लाई को रोक सकते हैं? तो इसका भी सीधा सा जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसका एक तो रीजन ये है कि हम WTO का हिस्सा है, और WTO का एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कहता है कि कोई भी देश चाहे दूसरे देश के साथ उसके डिप्लोमेटिक, रीजनल या फिर ट्रेड रिलेशन न हो, इसके माल को आने से नहीं रोक सकता। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है इस देश में आएगा उसको नहीं रोका जा सकता, यानी कि चाइना के प्रोडक्ट को हम भारत में आने से नहीं रोक सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू? हम कर ये सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के जो आइटम्स हैं उनको एक कैटेगरी में डाल के बैन कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ या फिर सिक्योरिटी इश्यू लगा के, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उनको बैन कर सकते हैं। और ऐसा हमने पास्ट में किया भी है, चाइना ने भी किया है। जैसे इंडिया ने चाइनीज मोबाइल्स को बैन किया था कि उनमें IMEI नंबर नहीं है और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इनको बैन कर दो। ऐसे ही चाइना ने क्या किया था, जो इंडियन मिल्क के प्रोडक्ट हैं उनको सीरियस हेल्थ कंसर्न की वजह से बैन कर दिया। ठीक है, तो हर देश ऐसा करता रहा है और करते भी हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा के चाइनीज प्रोडक्ट्स को उनका जो फ्लो है कम कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि भारत में जो चाइनीज माल डंप हुआ है उसके ऊपर ये ड्यूटी लग जाएंगी, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। कई बार इंडियन प्रोडक्ट्स का जो रेट है उससे भी ज्यादा चला जाता है, या फिर उसके बराबर तो कम से कम आ ही जाएगा। तो फिर भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं आएगा कि इसी रेट में यदि चाइनीज प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उसी रेट में हमको भारतीय प्रोडक्ट मिल रहा है, तो फिर भारतीयता थोड़ी हमारी जाग जाती है और हम स्वदेशी अपनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों बता दूं, बड़ा सवाल ये है कि हर प्रोडक्ट पे, हर क्षेत्र के प्रोडक्ट पे हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका बड़ा रीजन ये है, हमारा जो भारतीय मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हम लोग क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, सॉरी क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, हमको चाहिए सस्ता प्रोडक्ट। और क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर आज इतनी नहीं है, ये सच्चाई है दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि सस्ता मिले, टिकाऊ मिले। अब टिकाऊ भी चाहे नया हो बट सस्ता मिले, है ना? तो यदि कंप्लीट हम बैन कर देंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स को, भारत में एकदम से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, सीधी बात है। चाइनीज प्रोडक्ट आ नहीं रहे जो सस्ते हैं, तो परचेजिंग पावर इतनी है नहीं, सामान खरीदेगा कौन, तो इन्फ्लेशन आना तय है। तो इसीलिए इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हमारे जो भारतीय ट्रेडर्स हैं, भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको देना है और वो भी सस्ते में, चाइना को यदि हमें कम्पीट करना है तो। सो ये बात है, लो इनकम ग्रुप वाले जो हमारे फैमिली हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सफर करेंगी अगर ऐसा होता है, कंप्लीटली हम बैन करते हैं तो, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये था सेशन, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे यदि आप नए आए हो तो प्लीज से एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके जाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।